चमोली जिले से है, जहां पर बोर्ड परीक्षा 2022-23 परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला ने बताया कि वर्ष 2022-23 में बोर्ड परीक्षा के लिए 108 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष 6,088 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें 3,279 छात्र और 2,809 छात्राएं इंटरमीडिएट परीक्षा में 3,389 छात्र और 3,045 छात्राओं सहित कुल 6,434 विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं जिले में 26 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही राय का गुप्तेश्वर, कर्णप्रयाग और थराली को संकलन केंद्र बनाया गया है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। बोर्ड परीक्षा जो हमारी होगी कक्षा 10 और 12 की होगी, जिसमें हमारे पास कक्षा 10 के करीब 6,088 बच्चे भाग ले रहे हैं और इंटरमीडिएट के 6,434 बच्चे हैं। और कुल जो सेंटर हमने बनाए हैं वो 108 सेंटर बनाए हैं, और जिसमें से 6 सेंटर एकल हैं। एकल का मतलब है कि वहाँ पर केवल हाई स्कूल के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं।